भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महानगर की संगठनात्मक बैठक बतौर मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शास्त्री की अध्यक्षता में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ। बैठक में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव, क्षेत्रीय महामंत्री अर्चना सिंह, निहारिका त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष चंचला शुक्ला, मीडिया प्रभारी रानी मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के साथ 2022 में प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनाने के संबंध में चर्चा की गई, जिसके संबंध में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शास्त्री ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं घर घर जाकर लोगों को शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं को बताने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 2 महिला कार्यकर्ता मौजूद रहेंगी और 2022 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने का कार्य करेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी रानी मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शास्त्री ने कहा, ऊपर से निर्देश आता है कि जिला अध्यक्ष कि आप सभी संगठन का काम बताएगी और कोई नहीं बताएगी, तो इसीलिए महिलाएं एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता ना करें, काम भी करें कि हम इससे बढ़ के काम करें, लेकिन एक दूसरे का उपहास ना करें। आप उसके अनुसार स्वागत पा रही हो तो आप उनको नाम बताइए, ये जोड़ने का काम करें। तो सभी बहनों से विनम्र आपके क्षेत्र में लगा हुआ है और आगमन भी, तो आप सब लोगों की भागीदारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि उसके पैर पे पैर रख के कुछ काम करें। अभी 2024 का स्वागत होना चाहिए, आएंगे तो फोटो बहुत अच्छी आएगी, और जब भीड़ आ जाएगी तो किसी की फोटो नहीं आएगी, भगदड़ नहीं होना चाहिए। गौरव, क्योंकि ये गोरखपुर के गौरव का विषय है, पहली बार यहाँ पर ही आ रही है, इसलिए हमारी क्षेत्रीय अध्यक्ष और दोनों जिला अध्यक्ष चंचला जी भी बैठी हैं, उनका भी मान सम्मान बना रहे कि आप लोगों को उन्होंने जोड़ा, तो कम से कम उनकी टीम अच्छी है, ठीक है ना। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, मीडिया प्रभारी। आज हमारे महिला मोर्चा की महानगर की बैठक थी, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष और रीता शास्त्री जी आई हुई हैं, और संगठन को मजबूत करने के लिए, एक एक महिलाओं को जोड़ने के लिए, बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक कार्यों को करने के लिए हमारी एक एक महिलाओं को समझाई हैं। हमको महिलाओं को जोड़ना है और 2022 का चुनाव हमें जीतना है, इसलिए सारी महिलाएं हमारी महानगर क्षेत्र प्रदेश की, मतलब सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, और तमाम योजनाओं को हम लोगों को घर घर पहुँचाना है। इसमें माननीय मुख्य रूप से हमारी नवनियुक्त श्वेता श्री जी महानगर अध्यक्ष बनी हैं, काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़ी दीदी अमिता गुप्ता जी काफ़ी संघर्ष कर रही हैं, इसी श्रृंखला में हमारी महिला मोर्चा की सारी बहनें बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं, और हम लोग आगे भी करेंगे, जो संगठन का निर्देश रहेगा उस कार्य करेंगे। मेरा नाम रीता शास्त्री। हम लोगों की संगठन की दृष्टि से भेजा गया है कि संगठन हमारा किस तरह मजबूत हो, हम लोग बूथ स्तर तक महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, 50% की भागीदारी है। योगी जी और मोदी जी ने पहली बार, आपने देखा होगा, इतनी विपक्ष में सरकारें आई लेकिन महिलाओं के लिए केवल हमारी सरकार ने काम किया और लगातार काम कर रही है। चुनाव में भी लगातार आपने देखा होगा, चुनाव में प्रधान का चुनाव हुआ हो, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, इसमें महिलाओं की 50% की भागीदारी रही है। तो हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, महिलाएँ किस तरह जुड़ें उसको निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिन योजनाओं का महिलाओं को लाभ नहीं मिला उन योजनाओं का महिलाओं को लाभ मिले, इसके निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक और समस्या है, मतदाता सूची में महिलाओं का नाम काफी कम है, वो भी काफी हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, महिलाओं को इसीलिए सक्रिय कर रहे हैं क्योंकि पहले महिलाएं सक्रिय नहीं रहती थी। इतनी सरकारें आई, मैंने कहा ना कि किसी ने भी महिलाओं के विषय में नहीं सोचा, आज आपने देखा होगा भाजपा में महिलाओं की भागीदारी 50% की है, और इतनी संख्या में महिलाएं जो निकल के आ रही हैं, तो सक्रियता ही है ना, तो वोट बैंक बढ़ेगा, महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। 2022 में चुनाव भी है और बूथ स्तर को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए क्या महिलाएं क्या कर रहे हैं? चुनाव जीतेंगे, अधिक मतों से जीतेंगे 2022, हम और भी ज्यादा अधिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि सारी योजनाओं का लाभ हमारी महिलाओं को मिला है, तो महिलाएं हमारी पूर्णता भागीदारी करेंगी चुनाव में। बूथों पे क्या तैयारी है? नहीं, बूथों पे तैयारी है हमारी, मैंने कहा हर बूथ पे 2 महिला रहेगी, 2 महिला 3 महिला हर बूथ पे निकलेंगी और घर घर कुंडा खटका के हम लोग अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे।